वेलकम बैक टू माय चैनल यमी मम्मी। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि हम कैसे रेडीमेड फलूदा बना सकते हैं। ये है weikfield फलूदा मिक्स रोज़ फ्लेवर में। इसके लिए मैंने लिया है ये 1 लीटर फुल क्रीम दूध। इसे बनाना बहुत ही इजी होता है। इसके पीछे सारे इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं कि इसे कैसे बनाना है। मैं आपको बता देती हूँ कि 1 लीटर दूध में हमें 1 ग्लास पानी डालना है और इस पूरे पैकेट को हमें इस दूध में डाल देना है और अराउंड 15 मिनट्स के लिए कंटिन्यूसली चलाना है और आपका फलूदा बिल्कुल रेडी है। इसके बाद आप इसको सर्व करेंगे अपनी आइसक्रीम और रोज़ सॉस के साथ। तो अब मैं इसे दूध को उबालने रख देती हूँ। मेरे इस दूध में बॉईल आ चुका है। अब मैं इसमें डाल दूँगी 1 ग्लास पानी का और फिर इसमें डालूँगी अपना सारा फलूदा मिक्स। अब मैं ये डाल दूँगी अपना सारा मिक्स इसके अंदर और इसे फिर कंटिन्यूसली चलाना है क्योंकि इसमें लम्स पड़ जाएंगे। फिर मेरा फलूदा मिक्स थोड़ा गाढ़ा हो गया है। मैं इसे ज़्यादा गाढ़ा नहीं करूँगी क्योंकि ये ठंडा होकर बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है। तो बस अब मैं इसकी गैस ऑफ करती हूँ और इसे चिल करने के लिए रख दूँगी। अब मेरा ये फलूदा मिक्सचर ठंडा हो चुका है और ये गाढ़ा भी हो गया है। अब मैं इसे बना लूँगी। उसके लिए मैंने लिए ये टूटी फ्रूटी एंड ये वनीला आइसक्रीम। तो अब मैं इसे पहले एक बाउल में डालूँगी। इस तरह से आप ग्लास बाउल जो आपको अच्छा लगे सर्विंग के लिए आप ले सकते हैं। इसके ऊपर जाएगा 1 स्कूप वनीला आइसक्रीम, ये टूटी फ्रूटी एंड आपके पास रोज सिरप हो तो वो डाल सकते हैं। मेरे पास ये रोज फ्लेवर सिरप है। ये रुआवजा नहीं है, ये प्योर रोज का है। ये मैंने उदयपुर से लिया था। आपके पास रुआवजा हो तो आप वो डाल सकते हैं। ये हमारा होममेड फलूदा बनके तैयार है।